प्रकाश राजभर ने श्री राम और वानर सेना पर दिया अजीबोगरीब बयान, पिछड़ों से तुलना कर कही ये बात। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेष्टा चोपड़ा। रामचरितमानस पर छिड़े विवाद के बीच साहूल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भगवान राम और उनकी वानर सेना को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। अयोध्या पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने वानर सेना की तुलना पिछड़े समाज से करते हुए कहा कि वानरों ने भगवान राम को लंका में जीत दिला दी। ये लड़ाई बंदरों की नहीं भगवान राम की लड़ाई थी, जिसे वानरों ने लड़ा लेकिन उन्हें क्या मिला। इस दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि जब वो बसपा में रहे तो उन्हें ये याद नहीं आया, भाजपा में गए तो उसी रामचरितमानस पर फूलमाला चढ़ाकर बेटी को सांसद बना लिया और खुद मंत्री बन गए, फिर करवट बदली, सपा में गए, सरकार नहीं बनी तो चर्चा में रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा को कोई वोट क्यों देगा, उन्होंने किया ही क्या है, अब लोगों का सपा से भरोसा उठ गया है। ओम प्रकाश राजभर ने भगवान राम और उनकी वानर सेना को लेकर भी अजीब सा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बैठकर एक बात लिख लीजिए, बंदरों ने भगवान राम को लंका विजय दिला दी। ये लड़ाई बंदरों की लड़ाई नहीं थी, भगवान श्री राम की लड़ाई थी, लेकिन बंदरों को क्या मिला, ना रहने के लिए आवास और ना ही खाने के लिए शुद्ध भोजन। उनकी ये दुर्गति इसलिए है क्योंकि उन्होंने दूसरों की लड़ाई लड़ी। आज यही पिछड़ों की स्थिति है, ये कांग्रेस को शासक बनाते हैं, सपा को शासक बनाते हैं, खुद कपूरी ठाकुर के विचारों पर चढ़कर शासक बनने का सपना इनको याद नहीं आता। राजभर ने कहा कि आपने अलग अलग पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन राजभर से सीखो, 27 जिलों में राजभर के साथ आओ, ओम प्रकाश राजभर तुम्हें प्रधान भी बनाएगा, विधायक भी बनाएगा और सांसद भी बनाएगा, बस ओम प्रकाश राजभर से दोस्ती करो। राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तभी निकले क्षेत्र में जब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। अब लोगों का मोह भंग हो चुका है, जबकि शिवपाल यादव पर किए एक सवाल के जवाब में उन्होंने नेताओं को दो मुआ साफ बता दिया। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर कौन सी तोप चला दी है, पिछले 6 सालों में सपा ने ऐसा क्या किया है कि जनता वोट देगी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये सब जनता से दूर चले गए और बीजेपी जनता के करीब, इसलिए बीजेपी की सरकार बन गई। वहीं जब उनसे लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन तो करेगी लेकिन इसका फैसला चुनाव के 6 महीने पहले लिया जाएगा। धन्यवाद दर्शकों, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज।